है कौन निवेश्यतः। और कथा का वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रह। श्रीमद भागवत कथा सुनाने वाला आचार्य विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्रो ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत वेद और शास्त्रों का अध्ययन करने वाला हो और वेद शास्त्रों के ज्ञान को अपने आचरण में डालने वाला हो, दृष्टान्त कुशलो दृष्टान्त देने में जो कुशल हो, धीर हो, वक्ता कार्यो अति निष्प्रह, ऐसा वक्ता भागवत जी का आचार्य होना चाहिए। और श्रीमद भागवत कथा सुनाने वाला आचार्य पाखंडी नहीं होना चाहिए, अनेक धर्मों का मानने वाला नहीं होना चाहिए, और श्रोता वक्ता दोनों को चाहिए। श्रीमद भागवत जी को कृष्ण मान करके प्रणाम करना है, आपके लिए नियम है, सब श्रोताओं के लिए नियम है, लेकिन आपके लिए तो विशेष है। और कृष्ण मान करके प्रणाम करें, और वक्ता के बराबर में जो ब्राह्मण है उनका वरण, विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए, उनका वरण कर देना चाहिए। और मलमूत्र जायार्थम, मलमूत्र त्याग करके कथा श्रवण करने के लिए आए, ताकि चार घंटे कोई विघ्न न बने, जल पीने की इच्छा न हो चार घंटे। यदि चार घंटे कथा सुनते सुनते जल पीने की इच्छा हो गई तो फिर इसका मतलब है तुम्हारी साधना ठीक नहीं। हाँ, और कहते हैं दरिद्र जो होते हैं क्षय रोग से ग्रसित होते हैं, और जो निर्भागी हैं पापी हैं वह श्रद्धा से भागवत श्रवण कर लेते हैं, भाग्यवानी भाग्यवान बन जाते हैं। अच्छा एक बात है, कथा में निर्भागी तो कोई जाता ही नहीं है, जो निर्भागी हैं वो कथा में नहीं जाते हैं, और चले हुए जाएं भूलते तो फिर जाके सो जाएं, वो निर्भागी हैं, वो भाग्यशाली ना है। कथा पांडाल में तो भाग्यशाली जाता है, उसका भाग्य जग जाता है। जिनको मोक्ष की इच्छा है, जो गरीब है वह धनी बन जाता है, जिनको रोग हो गया है भागवत श्रवण कर लेते नियम से वह रोग भाग जाता है। और स्त्री समाज में जिसके गर्व नहीं रहता है, गर्व रहता है लेकिन खंडित हो जाता है, संतान गर्व का पूरा 9 महीने का भोग नहीं भोगती है, पहले ही वह बालक खंडित हो जाता है, गर्भ में मर जाता है, या बेटियां हो जाती हैं पुत्र की इच्छा है, तो ऐसी बहनों को श्रद्धा से भागवत श्रवण करनी चाहिए, उनको पुत्र अवश्य प्राप्त होता है। रोजाना भागवत जी की पूजा होनी चाहिए, रोजाना पाठ होना चाहिए भागवत जी का, और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है, छोर आदि हजामत आदि नहीं, नाखून नहीं काट, सरसों का तेल नहीं लगाना है, और भोजन इतना तो जानते हैं लहसुन प्याज तो थोड़ा तामसी भोजन होता है वह नहीं खाना चाहिए, सात्विक वृत्ति से रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जमीन पर शयन करना है, और जमीन पर नहीं सो सकते हैं बेड पर तो बेडशीट बदल दो, और अपनी बदलो ना बदलो पंडित जी की जरूर बदल दो।